मेहता का उल्टा चश्मा। क्या भाई साहब, आपने जलेबी का पैकेट तो डाला ही नहीं। सॉरी रह गया था, अभी आपको गरम गरम बना के देता हूँ। कितना टाइम लगेगा? बस पाँच मिनट। मीठा लाल जलेबी बनाओ। जल्दी कीजिए मीठा भाई, जल्दी मीठी मीठी जलेबी दे दीजिए। मैंने सुना था कि आप बहुत अच्छी आफ्टर सेल सर्विस देते हैं, इसलिए मैंने यहाँ से फोन खरीदा। आगे से मैं यहाँ से कुछ भी नहीं खरीदूंगी। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए मैडम, हमारी सर्विस एकदम बेस्ट ही है। आज वो इंजीनियर पता नहीं किधर, ट्रैफिक मुंबई का आप तो जानते हैं, किधर फंस गया लगता है, ऊपर से फोन नहीं लग रहा, वरना एक मिनट में आपका फोन रिपेयर हो गया होता। एक नटू काका, एक काम कीजिए, जब तक इंजीनियर जी आते हैं तब तक आप ये फोन खोल कर रेडी रखे तो क्या उतना टाइम कम अपना जाएगा। जल्दी चलिए खोल के देखिए। चलिए, आप क्या पियेंगे, चाय ठंडा मंगाओ? नो थैंक्स। जूस पियेंगे? नो प्लीज थैंक्स। फलूदा बहुत बढ़िया आता है, फलूदा पीजिए, अभी क्या गर्मी है, जरा मगर ठंडा रहेगा, अच्छा रहेगा। नो थैंक यू प्लीज, आप मेरा फोन ठीक कर दीजिए। वो तो हो ही गया समझो। अरे कैसे फोन ठीक होगा, उनसे तो फोन खुल भी नहीं रहा है। नटू काका, सेठ जी ये लेटेस्ट पीस है ना, इसलिए। ओ, दरअसल हमारे फाइनेंस मैनेजर है तो उनको ये छोटा मोटा काम थोड़ा तबलीग होता। कोई बात नहीं, मैं एक मिनट लाई मैं कर देता हूँ। ये मालिक तो क्या कैप्टन होता है ना, तो उसको बॉलिंग फील्डिंग बैटिंग कीपिंग अंपायरिंग सब उसको आना चाहिए, मुझे सब आता ही है, मैं भी कर रही है। तो क्या अभी आजकल नए फोन आए ना तो इंजीनियर को रखना पड़ता है और कुछ नहीं। मैं एक मिनट, इधर से। कभी कभी क्या है उसका जो कॉन्टेक्ट पॉइंट होता है ना, कभी कचरा आ जाता है उसमें, तो भी ऐसा होता है कभी। What the hell? ये क्या किया आपने? ये तो ऑन ही नहीं हो रहा है। हो जाएगा, अभी हो जाएगा। अरे कैसे हो जाएगा, पहले कम से कम फोन ऑन तो था, अब तो बिल्कुल डेड हो गया है। नहीं, चिंता मत कीजिए मैडम, हो जाएगा चालू। कैसे हो जाएगा? नटू काका, कहाँ है इंजीनियर? सेठ जी वो आ गया। सेठ जी। अरे भाई वो सब बात में, तुम पहले इधर आ, जल्दी इधर आ। नटू काका, जरा आने दो उसको, आ जा इधर आ। जरा ये मैडम का फोन देख, जरा वो कल ही हमारी दुकान से लिया, बोल रहे बार बार बंद हो रहा है, तो जरा चेक करो क्या प्रॉब्लम है। जरा पहले थोड़ी देर में बंद हो जाता था, इन्होंने तो बिल्कुल ही बंद कर दिया। आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपका फोन अभी चालू करके देता हूँ। हो जाएगा मैडम, आप चिंता मत कीजिए, हो जाएगा। भाई इंजीनियर देखो जरा। सेठ जी आपने फोन खोला था? हाँ, इन्होंने अभी खोला था। बैटरी उल्टी डाली है। ओ, टेंशन में थोड़ा हो गया उल्टा काम का। सीधी कर दे बैटरी, सीधी कर दे, कोई बात नहीं। हो गया चालू। सेठ जी एक मिनट। ये लीजिए आपका मोबाइल, अब ये बंद नहीं होगा। थैंक यू। वैसे क्या प्रॉब्लम था? वो क्या है मैडम, आप जब फंक्शंस चेक कर रही होंगी ना, तब आपसे बैटरी सेवर ऑन हो गया होगा, जिससे क्या होता है फोन अपनी बैटरी बचाने के लिए बार बार ऑफ हो जाता है। अच्छा? और हाँ मैडम,
इस फोन पे 1 साल की वारंटी है, तो रिपेयरिंग बिल्कुल फ्री है। अगर कोई भी तकलीफ हो तो बेझिझक रिपेयर करवाने आ जाना। थैंक यू वंस अगेन, सच में आपकी सर्विस बहुत अच्छी है। अब मैं सारे इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें यही से खरीदूंगी। थैंक यू मैडम, थैंक यू, दोबारा जरूर आइएगा। जरूर जरूर, अपने दोस्तों को रिश्तेदारों को भी लेके आइएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अरे थैंक यू मैडम, आइएगा। तू मेरा फोन बार बार काट क्यों रहा था और फोन स्विच ऑफ क्यों किया था तूने? सॉरी सेठ जी, मुझे आपका बहुत डर लग रहा था, मुझे लगा आप मुझ पर गुस्सा करोगे। तो गुस्सा तो करूंगा ना, पर्सनल काम बोल के तू बावरी के साथ पार्क में घूमने जाएगा तो गुस्सा तो करूंगा ना। सॉरी सेठ जी। अरे पगले, तुझे जाना ही था तो बता के चला जाता, इतना छुपाने की क्या जरूरत थी? लेकिन सेठ जी, मुझे डर था कि आप मुझे ना कह देंगे। अरे भाई, मुझे क्या शौक होता है क्या ना बोलने के लिए? दुकान में काम होता है इसलिए ना बोलता हूँ ना। अभी देखे जैसे अर्जेंट कस्टमर आ गया तो तेरी जरूरत पड़ी ना, ऐसे काम की वजह से मैं ना बोलता हूँ। एक काम कर भाई, तू बावरी से शादी कर ले। हाँ शादी कर ले भाई, तू ये दुकान का टाइम बिगड़ के छुप छुप के उसको मिलने जाता है, इससे अच्छा तू शादी कर ले तो क्या है, ये छुप छुप के मिलने का प्रकरण ही बंद हो जाएगा, तू अपने आप इधर पूरा दिन दुकान में ही रहेगा, शादी कर ले। लेकिन सेठ जी, मैंने शादी के बारे में अभी तक कुछ सोचा नहीं है। तो सोच भाई, अभी कुछ साल बाद तो तेरी रिटायर होने की उम्र हो जाएगी। अरे मजाक कर रहा हूँ भाई, अभी आगे से कभी भी छुट्टी चाहिए सच सच बोल देना, मैं मना नहीं करूंगा। सच्ची आप मना नहीं करेंगे ना? मतलब करेंगे? अरे मना नहीं करूंगा ऐसा बोल रहा हूँ भाई। पक्का? पक्का। पेठालाल जी नमस्ते, हमें आज ही फिल्म देखने जाना है, हम जाएं? क्या पक्का? सॉरी बावरी जी, लेकिन इतनी शॉर्ट नोटिस में मैं दुकान छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। शाबाश शाबाश मेरे इंजीनियर, शाबाश। समझ गए बावरी जी? लाला जलेबी फाफड़ा निकाल, हम सब मिलकर जलेबी फाफड़ा खाते हैं। हाँ सेठ जी, आइए नशे करते। ले लिया है टप्पू बैटिंग के लिए तैयार। जो बोले सो दिया, सच दिया बाल। चल गोगी डाल, मोहन गोगी चल यार। गोगी बॉलिंग करने के लिए तैयार और ये गोगी ने जोश से बॉल डाला, उसी जोश से टप्पू ने बॉल को मारा और ये उसका फेमस सिक्स। टप्पू बेटा, तुम्हारा निशाना चूक गया, मैं तो यहाँ पे हूँ, बॉल उधर लग गया। टप्पू फिर से बॉलिंग करो। अरे ये छोटे सोड़ी, क्या फिर से डालू? तुम लोग आराम से नहीं खेल सकते क्या? सॉरी पीटर अंकल, एक्चुअली आज हम लोग ओवर आर्म खेल रहे थे तो गोगी ने फुल टॉस डाला इसलिए शॉट उधर लग गया गलती से। तुम लोग आज ओवर आर्म खेल रहे हो, रोज तो अंडर आर्म खेलते हो। पीटर अंकल हमें लगा हम लोग बड़े हो गए हम लोग ओवर आर्म खेल रहे थे। हमको लगा क्या मतलब क्या है गोया तुम्हारा? मतलब ये है वीडे अंकल, वीडे अंकल हमारी उम्र अभी सीजन बॉल से खेलने की, लेकिन सोसाइटी की सलामती को मद्देनजर रखते हुए टप्पू से ना टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलती है। हाँ बीड़ा अंकल, सोसाइटी वालों को सीजन बॉल से फटके ना लगे इसलिए हम अपने मन को फटके मार के टेनिस बॉल से खेल रहे हैं। हाय बोलतो है। हम बड़ों के लिए इतना बलिदान देते हैं, फिर भी बलि हमें ही बनना पड़ता है। नॉट फेयर। सोचिए भी अंकल, अगर हम लोग सीजन बॉल से सोसाइटी में खेलने लगे तो सोसाइटी वालों की क्या हालत होगी। ओ हो, कितना बड़ा बलिदान दिया तुम लोगों ने। सच में तुम लोगों ने सोसाइटी में टेनिस बॉल से खेलकर जो उपकार किया है उसके लिए मैं आत्मराम तुकाराम भिड़े इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी आप सभी का आभार मानता हूँ। वेलकम। और साथ में ये विनती करता हूँ कि आप सोसाइटी में टेनिस बॉल से ही खेले
और ध्यान से खेले ताकि किसी को नुकसान ना हो। हाँ, टप्पू निक्का भीड़ा भाई बराबर कह रहे हो। थैंक यू दया भाभी, थैंक यू। ठीक है मम्मी, आपका ऑर्डर सर आंखों पर। चलो फ्रेंड्स, बैट बॉल लो, स्टंप लो, चलो हम लोग सोसाइटी से कहीं दूर चले जाते हैं। टप्पू दिक्का, ऐसे नाराज होकर कहाँ जा रहे हो? मम्मी प्लीज, हमें मत रोकना। अरे हाँ बच्चों, एक मिनट। और भीड़ अंकल, अब भी ट्राई मत करना। चलो फ्रेंड्स, चलो। अरे अरे टप्पू से ना, मैंने तुम्हें सोसाइटी में खेलने से मना नहीं किया है, तुम लोग खेल सकते हो, मैंने इतना ही बोला कि जरा आराम से खेलो। नहीं भीड़ अंकल, अभी बहुत देर हो चुकी है, हमें जाना ही पड़ेगा। अरे चलो फ्रेंड्स। अरे लेकिन कहाँ जा रहे हो? सॉरी यार, सॉरी टप्पू सेना, देखिए बाबा रिलैक्स, हम नाराज होके कहीं नहीं जा रहे, हम बाजू वाली सोसाइटी में मैच खेलने जा रहे हैं। टप्पू सेना बहुत मजाक करने लगी है। नहीं तो क्या है, वात्रट है वात्रट। क्या मतलब, बड़े हो गए ना तो शरारत बढ़ गई है उनकी। बराबर। मम्मी हमें आने में थोड़ी देर होगी। हाँ बेटा, और संभल के खेलना और पानी पीते रहना। ओके मम्मी। सोनू जरा आराम मत, मैं बाहर जा रहा हूँ, शाम को वापस आऊंगा, अपना ध्यान रखना। ओके बाबा, बाय बाय। हाँ बाय। मम्मी हम सबके लिए नींबू पानी बना कर रखना, हम लोग जब आएंगे ना तब पी लेंगे। ओके। हाँ बेटा, मैं आप सब लोगों के लिए 3-4 बोतल नींबू पानी बना कर रखूंगी। माधवी, ए माधवी, चल मी ये तो। अरे आप गए नहीं अभी तक, मुझे लगा गए आप कब के। नहीं मैं जाने ही वाला था, वो रद्दी के पेपर रखने में बालकनी में गया था, तो वहाँ पे टप्पू सेना के साथ थोड़ी बहस हो गई, 10 मिनट वहाँ वेस्ट हो गए मेरे। क्या बच्चों के साथ बहस करते रहते हैं, वेकेशन में तो उनको शांति से खेलने दीजिए। कैसे खेलने दीजिए? शांति से। हाँ शांति से खेलने दीजिए, मैं भी वही बोलता हूँ कि शांति से खेलो, लेकिन मेरी बात सुनते ही नहीं है वो। अभी कितने जोर से लगा बॉल मालूम है? मुझे नहीं, वो अपना बोर्ड है ना बीड़े ट्यूशन क्लास का, उस पे बॉल जोर से लगा, पर आज पता नहीं क्या, आज ओवर आर्म खेल रहे, रोज तो अंडर आर्म खेलते हैं, आज पता नहीं ओवर आर्म क्यों खेल रहे। तुमसे जरा ओवर होता है। आपको मुलुंड जाना है ना दोस्त को मिलने, 3 साल के बाद अमेरिका से वापस आ रहा है वो, उसके साथ मस्त हमारे जमाने की बातें कीजिए, एंजॉय कीजिए, जाइए जाइए। चल ओके ठीक है। आहो आप ऐसे खाली हाथ जाएंगे? हाँ क्यों, असका है उसके घर जा रहे हैं तो थोड़ा कुछ लेके जाइए ना साथ में। उसके लिए क्या लेके जाना है, वो तो अमेरिका से आया भाई, अमेरिका में सब मिलता है। एक चीज नहीं मिलती वहां। अच्छा क्या? मेरे हाथ का बना अचार। वाह वाह वाह, उत्तम विचार, क्या बात है, चल चल ये तो। आहो ऐसे ही जाएंगे, खराब दिखते नहीं। थम्मा ये चटका। हां हां तक सर, वेरी गुड। जा हुशारस। अरे क्या बात है बड़े मास्टर, किस बात पे इतनी हंसी आ रही है? अरे कुछ नहीं आती भाई, दोस्त ने एक जोक फॉरवर्ड किया था तो उसी को पढ़ के हंस रहा था। अरे तो बड़े मास्टर हमें भी सुनाओ, हम भी हंसे, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक आदमी का क्रेडिट कार्ड चोरी हो गया तो उसने पुलिस कंप्लेंट नहीं की, तो दोस्त ने पूछा कि पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं कर रहा है, तो उसने बोला कि चोर उसकी बीवी से कम शॉपिंग कर रहा है। सही बात है, आजकल बीवियों की शॉपिंग की कोई लिमिट नहीं है भाई। कराए कराए आती भाई, इसलिए मैं क्रेडिट कार्ड रखता ही नहीं हूँ, रोज मुझे 10 फोन आते अलग अलग बैंक से कि हमारा क्रेडिट कार्ड ले लो, फ्री है ले लो, लेकिन मैं बोलता हूँ नहीं चाहिए भाई, बना ही कर देता हूँ। अच्छा है अच्छा है। क्या बात है बड़े मास्टर, अपनी टप्पू सेना नहीं दिखाई दे रही? नहीं कुछ देर पहले यही खेल रहे थे आती भाई, लेकिन आज वो बाजू वाली सोसाइटी के साथ मैच है उनकी, इसलिए ग्राउंड पे गए खेलने के लिए। अच्छा अच्छा, तभी सोसाइटी में इतनी शांति है। आती भाई क्यों नजर लगा रहे हो, शांत है तो अच्छा है ना, सोसाइटी में शांति होनी चाहिए। अरे क्या बात करते हो तुम भी बड़े। चलो चलो, कहाँ जा कर रहे हो? मेरा एक दोस्त है अमेरिका से उन्मेष, उसी को मिलने जा रहा हूँ। चलो तो मैं स्टेशन छोड़ देता हूँ, मैं कुछ काम से दादर जा रहा हूँ। हाँ चले चले चलो। लेकिन बड़े मास्टर जाने से पहले नाके पे नींबू पानी पी के जाएंगे। वाह वाह मस्त मस्त, मजा आएगा। चलो चलो चलो। सुनीता ताई मैं दया बोल रही हूँ। हाँ हाँ हाँ, सुनीता ताई आप सब्जी लेकर गोकुलधाम सोसाइटी में कब तक पहुँचोगे?
घंटे नहीं, वो मुझे अर्जेंट नींबू चाहिए थे। अरे कोई बात नहीं, आप आओ, हाँ आओ आओ हाँ। क्या करूँ, कहाँ से आऊँ नींबू? हाँ, भीड़े बहन के घर तो नींबू का अचार बनता है, तो उनके पास तो होंगे ही। कितने चाहिए? चार पांच चाहिए। हाँ, अभी लेकर आती हूँ। थैंक यू। कैम चल रहा है भाभी? ओह रसिन भाभी, मज़े में छे हूँ। सुन रहे हो? कोई नहीं, वार जाओ उससे। अरे नहीं नहीं, वो क्या है, मुझे थोड़े नींबू चाहिए थे, तो भीड़े बैंक से मांगे, तो वो अभी घर में लेने गए हैं। अच्छा, हाँ ये लीजिए। अरे कैसे है रोशन भाभी? फर्स्ट क्लास। ये कैसे धो? अरे कैच दीजिए ना। लेकिन पकड़ेंगे आप? हाँ, मैं क्रिकेट और टप्पू की मम्मी हूँ, कैच थोड़े ना छोड़ूंगी। बर पकड़ लिया। वाह वाह, तू अच्छे। दूसरा नहीं दीजिए। ओइको पटला। देव अभी मैं एक काम करती हूँ, नीचे आके आपको ऊपर आके देखे जाती हूँ। अरे नहीं नहीं भिड़े बहन, आप रहने दीजिए, मैं नीचे आके नींबू ले लेती हूँ और फिर आपके घर पे आके बाकी के नींबू ले लेती हूँ। अरे अरे ठोबो ठोबो, दोनों में से किसी को भी नीचे जाने की जरूरत नहीं है। कोमल भाभी है ना, उनको बुलाते हैं और उनको बोलते हैं नींबू ऊपर फेंक दो। दिमाग दिमाग। कोमल भाभी, भिड़े बहन तब तक आप बाकी के नींबू आने दीजिए। हाँ लीजिए, पकड़िए अभी। कैच कैच। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। लाइए। अरे क्या हुआ रोशन भाभी? अरे कोमल भाभी, गैलरी गैलरी में नींबू नींबू की क्रिकेट मैच चल रही है। कसली मैच? कहीं नहीं हो कोमल भाभी, दया भाभी को नींबू चाहिए थे तो मैं गैलरी से उनको दे रही थी, तो वो नीचे ही गिर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, मैं दे देती हूँ। ओके ओके, मैं देती हूँ। ये देखिए कोमल भाभी, यहाँ पे एक गिरा। एक मिनट। हाँ दो मस्त मिल गए। ये लोग क्या कर रहे हैं नींबू को इधर उधर फेंक के? एक मिनट, चले जाके पूछते। तीनों बाहर है, देखो तो। अरे ये आप लोग नींबू के साथ कैच कैच क्यों खेल रहे हो? अरे बबीता, वो माधवी भाभी दया भाभी को गैलरी में से नींबू दे रही थी तो नींबू नीचे गिर गए, मैं उछल कर दे रही हूँ तो वापस नीचे ही गिर रहे हैं। ओह तो मुझे दे दो ना दया भाभी, मैं आपको घर पे आके देके जाती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही नींबू दीजिए, मजा आ रहा है। कंटिन्यू द गेम। ओके तो मुझे दीजिए, मैं ट्राई करती हूँ। ओके ओके। अब मैं टप्पू सेना को कहूंगी कि नींबू शरबत बनाने में अब सबका हाथ है। चलो बाय, सी यू। अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट, लेडीज लेडीज, वो पास वाले मॉल में समर सेल लगा है और डिजाइनर साड़ीज पे तो 50% डिस्काउंट है। क्या बात है, 50% डिस्काउंट है? ओह सेल, क्या? हाँ तो क्या ख्याल है, चले सब? अरे कोमल भाभी, शॉपिंग के लिए कोई भी लेडीज मना नहीं करेगी। हाँ और ऊपर से डिस्काउंट, डिस्काउंट और पूछ पूछ। ओके देन, घर का छोटा मोटा काम फिनिश करके हम लोग 3 बजे मिलते ताकि 6 बजे हम लोग रिटर्न आ जाए। चलो भाई, मुझे अभी नींबू शरबत बनाना है बस, और फिर कुछ काम ही नहीं है। तो मिलते हैं 3 बजे। ओके यस, 3 बजे। बाय यस, बाय। बाय रोशन भाभी।
शॉपिंग, ये एक ऐसा शब्द है दुनिया में जिसे सुनकर दुनिया की हर महिला प्रसन्न हो जाती है, एकदम से खुश हो जाती है। मेरे ख्याल से महिलाओं को जितना सुख और सुकून अपने मायके जाने में मिलता है, शायद उससे कहीं ज्यादा सुख शॉपिंग करने में मिलता है। इसलिए किसी महिला को शॉपिंग करने से रोकना खतरे से खाली नहीं है। यहाँ गोकुलधाम की महिलाओं ने भी बातों बातों में शॉपिंग का प्रोग्राम बना लिया है, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि अनजाना खतरा उन्हें शॉपिंग करने से रोकने वाला है। आने वाला एक ऐसा संकट, एक ऐसा टेंशन जो उन्हें शॉपिंग करने से रोकेगा। कौन सा है वो संकट, कौन सा है वो खतरा जो महिलाओं के शॉपिंग के प्लान को फेल करने वाला है? भाई महिलाएं शॉपिंग कर पाए ना कर पाए अलग बात है, लेकिन आपके घरों में हंसी की शॉपिंग फ्री। मेरे साथ देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बहू जी, बापूजी, नींबू पानी बहुत अच्छा बना। थैंक यू बापूजी। बापूजी जरा आपसे एक बात करनी है। हाँ पूछ। वो आज अचानक ही गोकुलधाम सोसाइटी की सभी बहनों ने 3 बजे शॉपिंग जाने का नक्की किया है, तो मैं जाऊँ? अरे उसमें पूछना क्या बहू, जा जा जा। थैंक यू बापूजी। के चक्कर में देरी हो गई है। अंजिल भाभी ने 1 बजे बोला था 3 बज का। यहाँ बैग कैसे, किसकी है? वो अब्दुल भाई कहाँ रह गए? अब्दुल भाई सॉरी सॉरी सॉरी, कहाँ रह गए आप? पता है मुझे लेट हो रहा है। सॉरी सॉरी, ये लीजिए। वो क्या यार, लंच के चक्कर में थोड़ा सा देरी हो गई। कोई बात नहीं। अरे बबीता जी। हाय हाय। अरे ये लोग अभी तक नहीं आए? अरे वो लोग अभी आते ही होंगे। अरे आते होंगे क्या, आ गए हैं? ओ तैयार, तीन देवियां तैयार। आइए आइए भाभी, आप लोग कहीं जा रहे हैं? हम सब लेडीज मार्केट लूटने जा रहे हैं। अरे हम सब लेडीज शॉपिंग करने के लिए जा रही है। आप पता चला मैं लेट हो गई। चलो चलो गोकुलधाम के महिला मंडल समर सेल के शॉपिंग में मचाते हैं धमाल धमाल धमाल। अरे बबीता जी, वो पहिए वाली सूटकेस किसकी है? मुझे नहीं पता, मैं जब आई तभी मैंने देखा। अब्दुल भाई किसके सूटकेस है ये? बबीता जी मुझे भी पता नहीं, मैं जब आया तो सूटकेस यहीं पड़ा हुआ था। लगता है किसी के घर में कोई गेस्ट आया है। बराबर, हो सकता है। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि किसी गेस्ट की बैग है। अरे किसी के घर पे गेस्ट आया होगा और ये बैग अगर उसकी होगी तो वो तो घर पे लेके जाएगा ना, इधर सोसाइटी कंपाउंड में थोड़ी ना छोड़ के जाएगा। ये बात भी है। अरे हितेश, ये बैग यहाँ पर किसने रखी पता है? पता नहीं अब्दुल, आधे घंटे पहले जब बाहर गया था तब से सूटकेस यहीं पड़ा है। आधा घंटे से यहाँ पड़ी है? हाँ चलो। हाँ कमाल है, नहीं ऐसे कैसे कोई बैग बाहर छोड़ के चला जा सकता है। तो और सूटकेस भी एकदम नई नजर आ रही है ना। कैसे लोग होते हैं, चलो वहाँ जाकर देखते हैं। पता तो चले बात क्या है। अरे हाँ बबीता, ये तो एकदम नई दिखती है ना। लॉक तो है यार। राइट बबीता, एकदम नई लग रही है। हाँ क्यों होगी बैग? वो टैग रहता ना नाम का, नेम टैग। हाँ वो भी नहीं है क्या? नहीं माधु भाभी, इधर तो कोई नाम नहीं लिखा, यहाँ कैसे कोई रख सकता है? कोई छोड़ दिया तो काम पे। देखो बहू। हाँ जी बाबूजी। तुम लोग गए नहीं अभी तक? बापूजी हम लोग बस जा ही रहे थे तभी ये सूटकेस पर नजर पड़ी। आधे घंटे से ये सूटकेस यही है और किसी को पता ही नहीं है कि ये किसकी है। हाँ। है? पता नहीं है? अरे अब्दुल भाई तुझे पता है ये सूटकेस किसकी है? नहीं चाचा जी, मुझे भी नहीं पता कि ये सूटकेस यहाँ पर किसने रखी है। कमाल है, किसी को पता नहीं है सूटकेस किसकी है। हाँ सूटकेस की केस सुटली तर जाणार ना। ये सूटकेस में कुछ भी हो सकता है। ओ, सब लोग दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। क्या भरोसा, मैं अभी निकल जाता हूँ, वहीं पे खड़े रहो, दूर रहना। हाँ बापूजी। अभी देखो, अच्छी रिश्ते से लावा।
पता चला ये सूटकेस किसके? नहीं बाबू जी पता नहीं चला। कमाल है, अरे इतनी बड़ी सूटकेस को सोसाइटी में आके रख के गए तो किसी ने तो देखा होगा ना उसे आते जाते हुए। अब्दुल भाई आप तो दुकान में ही होंगे, तो आपने सोसाइटी में किसी को भी इतनी बड़ी सूटकेस लेकर आते हुए देखा नहीं? तो है भाभी, मैं खाना खाने के लिए गया था, उस दौरान कोई आया होगा तो पता नहीं। अब्दुल भाई हो सकता है वो स्त्री वाला है ना आपके बाजू में, तो उसने किसी को आते जाते देखा हो। बराबर बराबर। हाँ बराबर। अब्दुल जा, वो स्त्री वाले मंगलू को बुला के ले क्या। हाँ, हाँ, हाँ। चलते बापू जी आप मत जाइए। हाँ मत जाइए। चाचा जी मंगलू सूटकेस के बारे में जानता है? अच्छा हाँ भाई बोल मंगलू, ये सूटकेस कौन रख के गया है यहाँ? चाचा जी ये सूटकेस किसने और क्यों रखा है ये तो हमको भी नहीं मालूम, पर एक घंटा पहले अपनी सोसाइटी में रिक्शा जरूर आई थी, उस रिक्शे में ये सूटकेस हमने देखा था। हाँ तो रिक्शे में कौन बैठा था उसको देखा कि नहीं? नहीं चाचा जी, हम उस वक्त कपड़े इस्त्री कर रहे थे, रिक्शा इतनी तेज निकल गई उसमें कौन बैठा है हम देख ही नहीं पाए। इसका मतलब तो ये हुआ कि कोई हमारी सोसाइटी में रिक्शा में आया, सूटकेस को कंपार्टमेंट में रखी और रफू चक्कर हो गए। हाँ दया भाभी, लेकिन ऐसे कोई सूटकेस रख के क्यों जाएगा? मुझे तो बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही है। कैसे पता चलेगा? अरे एक मिनट एक मिनट, लेकिन वो रिक्शा सोसाइटी में से बाहर भी तो गई होगी ना? हाँ, थोड़ी देर के बाद रिक्शा अपनी सोसाइटी से बाहर चली गई थी। अच्छा तभी तूने देखा कि उसमें कौन बैठा है? उस वक्त तो रिक्शा खाली थी। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो भी हमारी सोसाइटी में सूटकेस लेकर आया वो अभी भी हमारी सोसाइटी में ही है। हाँ, ये पक्का है। हाँ, मैंने एक आदमी को अपनी सोसाइटी के बाहर भागते हुए देखा था, जल्दी जल्दी भाग रहा था। ये कब बोलेगा भाई तू? चला भी ये बता वो दिखने में कैसा था? चाचा जी वो आदमी इतनी तेजी से भाग गया हम उसका चेहरा नहीं देख पाए। अरे तू क्या देखता क्या तू? सब आधा आधा देखता है, सूटकेस देखता है, वो रिक्शा में कौन बैठा वो देखता नहीं, वो भाग रहा था तो क्या उसका पैर देख रहा था, चेहरा देखना चाहिए ना। मंगलू उसकी कब तो देखनी चाहिए तेरे को। कि हम ये सूटकेस खोलकर देखें कि इसमें क्या है, शायद इसका सामान देखकर पता चल जाए कि ये किसकी सूटकेस है। अरे नहीं नहीं बहू नहीं, अरे ये सूटकेस लावारिस है और किसी भी लावारिस चीज को कभी भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। बराबर। एक्चुअली चाचा जी सही कह रहे हैं, पुलिस हमेशा कहती है कि कोई भी लावारिस चीजें कहीं पे भी दिखे ना तो कभी उसे हाथ नहीं लगाना चाहिए, इनफैक्ट तुरंत पुलिस को फोन कर देनी चाहिए। हाँ, पुलिस को ही पता लगाने दो ये सूटकेस किसकी है और सूटकेस में क्या है। और मैं टप्पू के पापा को भी फोन करती हूँ। हाँ मुझे भी लगता है तारक को फोन करना चाहिए। हाँ। तो मैं भी अय्यर को फोन कर देती हूँ। अरे यार तुम सब लोग पति को फोन करते हो। अरे तुम सब महिलाएं अपने आप को इतना कमजोर क्यों समझती हो? और वैसे भी तुम सब के पति यहाँ आके क्या करेंगे? पुलिस को फोन करेंगे और क्या, वो तो हम सब भी कर सकते हैं ना। राइट अब्दुल, पुलिस को फोन लगा। हाँ चाचा जी, मेरे पास इंस्पेक्टर चालू पांडे का नंबर है, मैं डायरेक्ट उनको ही फोन लगाता हूँ। बहुत दिनों से नाकाबंदी नहीं हुई। हाँ बासंती, इस वक्त मैं ड्यूटी पे हूँ और ड्यूटी छोड़कर मैं शॉपिंग पर नहीं आ सकता। बासंती, अगर मैं ड्यूटी छोड़कर शॉपिंग पर आया तुम्हारे साथ तो मेरी यहाँ छुट्टी हो जाएगी। बासंती, जब तक इस संसार में नारियां हैं तब तक साड़ियों का सेल लगा रहेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हम ले लेंगे। बासंती, मुझे दूसरा फोन आ रहा है, इफ यू डोंट माइंड मैं वो फोन ले लूं। ओह थैंक यू, यू आर सच ए कोऑपरेटिव वाइफ बासंती, लव यू, टेक केयर। हेलो इंस्पेक्टर चालू पांडे हियर। इंस्पेक्टर चालू पांडे जी, मैं गोकुलधाम सोसाइटी से अब्दुल बोल रहा हूँ। गोकुलधाम सोसाइटी? अब क्या हुआ गोकुलधाम सोसाइटी में? वो क्या हुआ सर, वो अब्दुल, मैं 5 मिनट में गोकुलधाम सोसाइटी में पहुंच रहा हूं और जब तक हम ना पहुंचे कोई भी उस सूटकेस को हाथ नहीं लगाएगा, समझ गए? हाँ, हाँ। ओके ऑटो।
ऑर्डर। चालू पांडे जी 5 मिनट में आ रहे हैं। वेरी गुड। शॉपिंग जाते जाते हम यहीं अटक गए। शॉपिंग के लिए कितने उत्साह से हम लोग तैयार हुए थे। बस 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 बंद कर दे। पांडे जी रिक्शा में। कहाँ पर है वो सूटकेस? सूटकेस सबसे पीछे ही है। अच्छा। अरे, अरे, अरे! आप लोग बोलते भी नहीं कि सूटकेस मेरे पीछे पड़ा। ये सूटकेस तो नया लगता है। पांडे जी हमने सोसाइटी में सबको पूछ लिया लेकिन ये सूटकेस किसकी है किसी को मालूम नहीं। अच्छा पर सवाल ये खड़ा होता है कि सूटकेस यहाँ खड़ा क्यों है? मतलब ये सूटकेस यहाँ आया कैसे? वो हम लोग हैं ना शॉपिंग करने के लिए निकले अंजलि भाभी के घर के यहाँ हम इतने अरे शांत हो जाइए। अब ये बताइए कि सबसे पहले ये सूटकेस किसने देखा? मैं वही बताने जा रही थी पांडे भाई। ये सबसे पहले अब्दुल भाई ने देखा। शॉपिंग के लिए जा रहे थे ना तभी हमने ये सूटकेस देखी। हाँ। ओहो हो आप लोग अभी शॉपिंग भी जा रहे थे? मेरे बीवी का फोन आया था कह रहे थे कि मुझे भी शॉपिंग पर ले चलो। मैंने उसे साफ मना कर दिया। हा? मैंने कहा मैं अभी ड्यूटी पर हूँ। मेरे लिए ड्यूटी मेरी पहली बीवी है और दूसरी बात सुनती है। हम लोगों ने आपको फोन किया इसलिए आप बासुंदी भाभी के साथ शॉपिंग के लिए नहीं जा पाए। अरे ओके ओके अब सॉरी क्यों बोल रही हैं? ये तो मेरा फर्ज बनता है। हाँ तो अब्दुल तुम क्या जानते हो उस सूटकेस के बारे में? इंस्पेक्टर चारू पांडे जी मैं सामान देने के लिए अंजलि भाभी के घर जा रहा था कि अचानक मेरी नजर सूटकेस पे पड़ी। सोचा वो कोई यहाँ रख के चला गया होगा। बहन भाभी और सारी बहनें भी शॉपिंग के लिए जा रही थी तो उनकी भी नजर सूटकेस पे पड़ी। मैंने एक एक से पूछा कि ये सूटकेस है किसका पर किसी को नहीं पता कि ये सूटकेस किसका है। पंडित जी मंगल को पता है ये इसकी दुकान मेरी दुकान के बाजू में है। इसने एक रिक्शा को अंदर आते हुए देखा। उस रिक्शा के अंदर ये सूटकेस को देखा था। अच्छा तो तुम हो मंगलू? जी सर। तो तुम ही जानते हो कि इस सोसाइटी में सूटकेस कौन लाया है? मंगलू बोल। देखो हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे पर झूठ बोलोगे तो पड़े। नहीं 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 मंगलू भाई झूठ नहीं बोलेंगे। साहब जी हम झूठ क्यों बोलेंगे? हमने एक रिक्शा को सोसाइटी के अंदर आते देखा था। उसमें कौन बैठा है हम ये नहीं देख पाए साहब लेकिन ये सूटकेस हमने उसी रिक्शा में देखा था। अरे इस सोसाइटी में जो आया होगा वो बाहर गया भी तो होगा ना। किसी ने उसे सोसाइटी से आते जाते नहीं देखा। अरे एक आदमी सोसाइटी के बाहर भागते हुए जा रहा था ये मंगलू ने उसे भागते हुए देखा लेकिन उसका चेहरा नहीं देखा। अरे बाबा मान लिया जब वो सोसाइटी से गया था तो किसी ने नहीं देखा पर जब वो सोसाइटी में बैग लेकर आया था तब तो किसी ने उसे बालकनी से देखा होगा ना। वो क्या है पंडित साहब कि हम लेडीज दोपहर को काम में बहुत बिजी होती है या फिर आराम करती होती है तो कोई बालकनी में देखने आता ही नहीं है। अरे बासुंदी का भी ऐसा ही है। सुबह से उठती है तो बस काम करने लगती है और थक जाती है तो सो जाती है उठती है तो टीवी देखने लगती है। बालकनी में कभी आती ही नहीं। क्यों? हाँ, क्यों? क्यों? मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहता हूँ ना। हाँ सत्य है मंगलू उस रिक्शे में पैसेंजर जो सूटकेस लेकर आया था उस वक्त कितने बजे थे?
साहब जी यही कोई 2:15 बज रहे होंगे। ओ, मतलब ये सूटकेस वाली वारदात 2 से 3 बजे के बीच हुई थी। हाँ, और इसी बात का तो उसने फायदा उठाया क्योंकि इस वक्त सोसाइटी में चहल पहल कम होती है। कि किसने फायदा उठाया होगा, कौन है वो और ये सूटकेस में क्या है वो भी नहीं पता चल रहा है। कहीं ये सूटकेस में बम तो नहीं है? मैंने डॉग स्क्वाड को इन्फॉर्म कर दिया है, वो लोग अभी आएंगे और इस सूटकेस को चेक करेंगे और इसमें कुछ नहीं निकलेगा। आप लोग इस तरह डरिए मत, आप लोग बाहर आइए। देखिए आप लोग इस तरह डरिए मत और मुझे भी डराइए मत। देखिए आप लोग प्लीज बाहर आ जाइए, मैं यहाँ अपने आप को अकेला महसूस कर रहा हूँ। आई एम फीलिंग ऑड, वेरी ऑड। प्लीज प्लीज बाहर आ जाइए, ऐसा मत करिए। प्लीज आइए, प्लीज आइए। ऑपरेट सब आ गए। हाँ चलो चलो शांति, मैं हूं तो डरने का नहीं। भाई वो इधर था, वो किधर गया? ये सब ये पीछे किधर? ये ए, उधर क्या कर रहा है? बम। अरे जो बम वहां फूटेगा उसका असर वहां भी तो होगा ना। इधर हम लोगों को अकेला ही फंसा रहा है। अब यहाँ आए हैं तो साथ जिएंगे और साथ रहेंगे। आ गए डॉग स्क्वाड वाले। आला आला जंप कब? ए ए कुत्ता, चाचा चाचा जी पापी। ए चाचा जी, चाचा जी रिलैक्स, डरिए मत डरिए मत, ये ट्रेन कुत्ता है, ये काटेगा नहीं। अरे बोल के थोड़ी काटेगा ये। अरे डरने की जरूरत नहीं है चाचा जी, ये कुत्ता अभी सूंघ कर बता देगा कि सूटकेस में बॉम्ब है या नहीं। बाबूजी कुछ नहीं होगा, वो क्या है, बाबूजी को जरा कुत्ते से डर लगता है इसलिए। क्या नाम है इसका? पीटर रेनॉल्ड। ये रेनॉल्ड है? अरे ये रेनॉल्ड है? इतना सा था तब मिला था, अब तो ये बब्बर शेर हो गया है, बड़ा हो गया है ये। रेनॉल्ड बेटा पहचाना मुझे? मैं पांडे अंकल। मुझे पहचान नहीं पा रहा, मेरा मुंह एकदम सपाट था ना, मुझे नहीं थी। अब छोटे लोगों का कितना मेमोरी रहेगी। अरे रेनॉल्ड बेटा हम घाटकोपर वाले केस में मिले थे, ये मारिया का बेटा है ना। पूरा खानदान इसी तरह बॉम्ब स्क्वाड वाले केस में रहता है, देश सेवा में लगे रहते हैं लोग। अरे नहीं पहचान रहा। अच्छा पीटर, वो रहा लावारिस सूटकेस, रेनॉल्ड को कहो कि जाकर वो चेक कर ले। यस सर। एक लावारिस बैग से गोकुलधाम सोसाइटी में हड़कंप मच गया है। पुलिस के साथ साथ गोकुलधाम निवासी परेशान है कि आखिर ये बैग किसका है, इस बैग का मालिक कौन है, इस बैग में क्या है और आखिर ये बैग कौन छोड़ के गया और क्या मकसद है किसी का इस बैग को गोकुलधाम सोसाइटी में छोड़ने का। कहीं ऐसा ना हो कि इस बैग में से कुछ ऐसा निकले जो सारे गोकुलधाम वालों के लिए परेशानी खड़ी कर दे, कहीं महिलाओं को शॉपिंग की जगह पुलिस स्टेशन न जाना पड़े। यहाँ कुछ भी हो सकता है, सवाल बहुत सारे हैं लेकिन अभी जवाब नहीं मिल रहा। जवाब तो तब मिलेगा जब ये बैग खुलेगा। जब ये बैग खुलेगा उसमें से सिर्फ जवाब ही नहीं मिलेगा, आपके लिए हंसी और ठहाके भी मिलेंगे। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और हाँ दोस्तों एक विशेष बात और, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी कि हमारे भारत देश में आज हमारे नव निर्वाचित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। मैं व्यक्तिगत तौर पर अपनी ओर से, तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से और 125 करोड़ देशवासियों की ओर से उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ।
और आप सभी से ये अनुरोध करता हूँ, देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। कहीं ये सूटकेस में बम तो नहीं है? मैंने डॉग स्क्वाड को इन्फॉर्म कर दिया है, वो लोग अभी आएंगे और इस सूटकेस को चेक करेंगे और इसमें कुछ नहीं निकलेगा। आप लोग इस तरह डरिए मत, आप लोग बाहर आइए। वो रहा लावारिस सूटकेस, रेनॉल्ड को कहो कि जाकर वो चेक कर ले। यस सर। गो। क्लियर है, अंदर कुछ भी नहीं है। हरीश्वर, बॉम्ब नहीं है बैग में? नहीं है सर, पक्का नहीं है। वाह रेनॉल्ड वाह, थैंक यू पीटर। रेनॉल्ड का पूरा खानदान इसी तरह देश सेवा में लगा रहता है। इसकी मम्मी मारिया भी ऐसे ही थी। थैंक यू, अब आप लोग जा सकते हो। थैंक यू, थैंक यू, बाय रेनॉल्ड, बाय, डोंट फॉरगेट मी नाउ। अब भी नहीं पहचान पा रहा है। गुड बॉय। भाई, थैंक यू। ओह स्मार्ट टीम है ये। चलो अच्छा है। थैंक यू, थैंक यू। आइए, आइए, आइए। क्विक, क्विक, क्विक। बाय रेनॉल्ड। बाय। टेक केयर। तो पांडे साहब अब क्या करें? अब चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। जब इस सूटकेस में बॉम्ब है ही नहीं तो मैं जा ही सकता हूँ। भारी है। लॉक किया हुआ है। कितना चालाक है, देखो लॉक करके चाबी खुद लेकर चले गया और सूटकेस यहाँ छोड़ गया हम लोगों को परेशान करने के लिए। पांडे जी संभाल के। बंदूक से सूटकेस खोलेंगे? नहीं चाचा जी, मुंबई पुलिस हर चीज का बैकअप रखती है। पुलिस के पास चाकू? चाकू? सिर्फ लगाता है। Oh my God! पांडे जी क्या है इसमें? इसमें तो साड़ियाँ। साड़ी? 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 साड़ी कैसे उसमें? अरे ये लवली, ये ओहो देखो तो मस्त बना के डिजाइनर साड़ी। यहाँ वो बिचने बिट्टू, ये देखो राशन। हाँ वाह दे, वाव। अरे वाह, बनारसी डिजाइनर साड़ी। हाँ, और इसके कलर्स कितने ब्राइट है ना, एकदम ब्यूटीफुल एंड वाइब्रेंट। या और देखिए ना, ये साड़ियों की बॉर्डर एकदम अलग है। अरे देखो ना, एम्ब्रॉयडरी कितनी सुंदर है, क्या कढ़ाई की है। हाँ, मटेरियल भी सॉफ्ट है एकदम। देखो नाइस है। हाँ
और बड़े से भी साड़ियाँ किसने की है? देवन ये सवाल आप साड़ी का मुझसे क्यों पूछ रही हैं? देवन मुझे क्या मालूम कितने की है साड़ी? ओह सॉरी सॉरी, हाँ वो आपने सूटकेस खोली ना तो मैंने आपको ही पूछ लिया। अरे अरे पांडे जी, पहले ये तो चेक कीजिए कि ये सूटकेस जो छोड़ के गया है उसका कुछ नाम मतलब पता कुछ है कि नहीं अंदर। हाँ चाचा जी, यू आर राइट। एक मिनट, कानून को अपना काम करने दीजिए प्लीज। शांति रखिए। सरिता। सरिता? ये सरिता साड़ी के मिल का नाम है, ये लीजिए। ना नाम ही इतना बड़ा बैग है, ना नाम है, ना फोन नंबर, साड़ी है पीछे भी नहीं। नहीं ये कैसे पता? कमाल का आदमी है यार, साड़ियां रख सकता है लेकिन अपना नाम और टेलीफोन नंबर नहीं रखता। सूटकेस में ऐसा कोई सुराग नहीं है जिससे पता चल सके कि ये सूटकेस किसका है। परेशान करके रख दिया इस सूटकेस ने। कमाल है, इतनी महंगी महंगी साड़ियां कौन छोड़ के गया होगा यहाँ? वही तो। चाचा जी, ये गलत काम जिस किसी ने भी किया होगा कानून उसे ढूंढ निकालेगा। जिस तरह से उसने ये लापरवाही से ये सूटकेस छोड़ा है, इसे सजा तो मिलनी चाहिए। बराबर। हाँ तो परेशान करके रख दिया है। और उसकी सजा ये होगी कि ये सारी साड़ियाँ आप लोग आपस में बांट दीजिए। नहीं 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 पंडित साहब, हमें ये साड़ियाँ मुफ्त में नहीं चाहिए। सॉरी सॉरी, गुस्से में मैं जरा भावुक हो गया था। मैं अपनी ऑफर वापस ले रहा हूँ, प्लीज दे दीजिए। हाँ लेकिन जो भी हो चाचा जी, इस सूटकेस के मालिक का सुराग तो हमें निकालना ही पड़ेगा। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, ये सूटकेस मेरा है। क्या? ये सूटकेस तुम्हारा है? तो तुम हो लापरवाह गुनेगार। You are under arrest. इस तरह कोई सूटकेस छोड़कर जाता है, टेंशन देता है। इंस्पेक्टर साहब देखिए, मेरी बात सुनिए प्लीज, मेरी बात सुनिए। ये मैं जानबूझ के छोड़कर नहीं गया था, मैं इसकी आपको वजह बताता हूँ। अब मेरी बात सुनिए प्लीज। अब सिर्फ कानून बोलेगा और तू सिर्फ सुनेगा। अरे पांडे जी सुन तो लीजिए, वो क्या कहना चाहता है। हाँ भाई क्या कहना चाहता है कहेगा, मैं जानता नहीं है। हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे, अगर झूठ बोलो ना तो पड़ेंगे डंडे। इंस्पेक्टर साहब देखिए, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा। दरअसल मैं साड़ियों का सेल्समैन हूँ और सोसाइटी सोसाइटी जाकर साड़ियाँ बेचता हूँ, और मैंने गोकुलधाम सोसाइटी का बहुत नाम सुना था इसलिए साड़ियाँ बेचने यहाँ चला आया। और इंस्पेक्टर साहब जैसे ही मैं यहाँ पहुँचा, मेरे घर से फोन आया कि मेरी प्रेग्नेंट वाइफ को लिवर पेन शुरू हो गया। क्या? मैं पहुँचता हूँ, मैं पहुँचता हूँ जल्दी। ऑटो ऑटो। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, और इसी जल्दबाजी में ये सूटकेस मैं यहाँ भूलकर चला गया। भगवान, ओहो तो ये बात है। भाई साहब अभी भाभी की तबीयत कैसी है? जी अच्छी है, नॉर्मल डिलीवरी हो गई। वाह सरस। हाँ तो लड़का हुआ कि लड़की? जी लड़की हुई है। आपको बहुत बहुत बधाई। एक मिनट में अभी मिठाई लेकर आती हूँ। अरे अरे एक मिनट, तू कहीं ये सब कहानी तो नहीं बना रहा है? मैं सच कह रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब, अगर अब भी आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो आप मेरे साथ हॉस्पिटल चलकर देख सकते हैं। मेरे बीवी और बच्चे दोनों वहीं पर हैं। पांडे जी मुझे नहीं लगता ये आदमी झूठ बोल रहा है। अरे भाई लेकिन ये तू जो सूटकेस यहाँ भूल गया उस वजह से हम सबको कितनी परेशानी हुई पता है तुझे? क्या हालत थी हमारी? जी मुझसे गलती हो गई चाचा जी, मैं शर्मिंदा हूँ इस बात के लिए। आप जो चाहे मुझे सजा दे सकते हैं। अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं पांडे जी, इसे माफ कर दीजिए। चाचा जी कानून तो इसे माफ कर देगा, पर बासुंदी का क्या? बासुंदी खिलाऊंगा ना साहब। बासुंदी मेरे बीवी का नाम है। सॉरी सर, सॉरी। खिलाना ही है तो चमचम खिलाओ। कि चमचम तो मेरी बीवी का नाम है सर। नाउ आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी।
थैंक यू सो मच, सचमुच आप लोग बहुत अच्छे हैं। अरे और अगर आपकी जगह कोई और होता तो शायद मुझे माफ न कर। नहीं नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे भाई, ये लोग ऐसे ही हैं, ये लोग फोन करके मुझे यहाँ ऐसे बुलाएंगे जैसे बहुत बड़ा कांड हो गया। मैं मेहनत करके इन्वेस्टिगेट करके उस मुजरिम को पकड़ता हूँ तो बाद में लोग माफ करके उसे छोड़ देते। अगली बार मुजरिम को सजा देना हो तभी मुझे बुलाना, अगर माफी करना है तो खुद ही पकड़ना और खुद ही माफ कर देना। सॉरी एक बात कहूँ, लोग दिल के बहुत अच्छे हैं इसलिए मन करता है यहाँ आने का। थैंक यू। अरे भाई, ये लोग ऐसे ही हैं, ये लोग फोन करके मुझे यहाँ ऐसे बुलाएंगे जैसे बहुत बड़ा कांड हो गया। मैं मेहनत करके इन्वेस्टिगेट करके उस मुजरिम को पकड़ता हूँ तो बाद में लोग माफ करके उसे छोड़ देते। अगली बार मुजरिम को सजा देना हो तभी मुझे बुलाना, अगर माफी करना है तो खुद ही पकड़ना और खुद ही माफ कर देना। सॉरी एक बात कहूँ, लोग दिल के बहुत अच्छे हैं इसलिए मन करता है यहाँ आने का। थैंक यू। हाँ हाँ बराबर है। भाई साहब, आपकी ये साड़ियाँ बहुत अच्छी है, हम लोग इसे खरीदना चाहते हैं, क्या आप बेचेंगे? मैं साड़ी बेचने के लिए ही आया हूँ। ये लीजिए साड़ी। ये क्या कर रही हैं दया बहन आप? अरे नहीं, मतलब हम सब लेडीज की तरफ से बासुंदी भाभी को साड़ी की गिफ्ट। जी जी। सॉरी, मैं ऑन ड्यूटी ये सब नहीं ले सकता। अरे देखिए, आपको लेनी ही पड़ेगी साड़ी, आज बासुंदी भाभी की शॉपिंग करने की बहुत इच्छा थी ना, तो आप प्लीज ये लेकर जाइए प्लीज। हम सब की ओर से भाभी के लिए। हाँ, अरे लेकिन नहीं नहीं, आपको लेनी ही पड़ेगी प्लीज प्लीज। अरे पांडे जी, ले लीजिए। हाँ, हम लोग बहुत प्यार से दे रहे हैं, लीजिए ना। ठीक है, बासुंदी को बहुत अच्छा लगेगा ये। थैंक यू दया बहन। अरे उसमें क्या। थैंक यू भाई, अगर पसंद नहीं आया इसका कलर तो चेंज कराऊंगा। ठीक है, थैंक यू दया बहन। भाई साहब, हमने ये सब साड़ियाँ पसंद की है तो कितने रुपए हुए? नहीं नहीं, देखिए आप लोगों से मैं पैसे कैसे ले सकता हूँ? अरे नहीं नहीं भाई, आपको पैसे तो लेने ही पड़ेंगे। हाँ भाई साहब, वरना हम साड़ी नहीं लेंगे। बराबर। ठीक है, आप लोगों के लिए भाव टू भाव। देखिए ये जो है 3,500 की है, और ये वाली 4,000 की, और ये थोड़ी भारी वाली इसलिए 5,000 की, और देखिए ये थोड़ी और महंगी है 6,000। हाँ ये लीजिए भैया। हाँ मैंने 2 साड़ियाँ ली है। मंगलू तेरा भी फायदा हो गया, ये सारी साड़ियाँ तेरे पास प्रेस होने के लिए आएगी। सही कहा अब्दुल भाई आपने। समझ में नहीं आता कि मैं आप लोगों का शुक्रिया कैसे अदा करूं। दरअसल मैं 4-5 दिन से इतना परेशान था कि वाइफ की डिलीवरी का खर्च कैसे उठा पाऊंगा, लेकिन आप सब ने साड़ियाँ खरीद कर मेरी सारी मुश्किलें हल कर दी। अरे भाई, तुम्हारे घर बेटी हुई है, बेटी, और बेटी तो लक्ष्मी का रूप होती है। अब तुम देखना, ये तुम्हारा साड़ी बेचने का काम दुगना तिगना चौगुना हो जाएगा। हाँ, देखना आपकी बेटी आपका नसीब खोल देगी, थोड़े ही दिन में आप साड़ियों की दुकान खोलेंगे। हमारे यहाँ लड़कियों को आज भी बोझ समझते हैं, पराया धन कहते हैं उन्हें। सभी बेटा पैदा होने के लिए मन्नतें करते हैं, दुआएं मांगते हैं, लेकिन बेटियां पैदा होने के लिए कोई दुआएं नहीं करता। सच तो यह है, गाँव वालों को इसी सोच से तंग आकर मैं अपनी पत्नी को लेकर यहाँ शहर आ गया, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरी बेटी ने पहली सांस वहाँ ली जहाँ बेटी और बेटे में कोई भेदभाव नहीं किया जाता। बेटा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जो बेटी को बोझ समझते हैं वो खुद ही इस धरती पे बोझ होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो चाचा जी, लड़कियाँ तो देवी का स्वरूप होती हैं। और ख्याल लगता है मैं काफी देर गोकुलधाम में रुक गया, मुझे अब निकलना चाहिए। ओके, मेरी जीप कहाँ है? अरे पांडे जी, आप तो रिक्शा में आए थे। मैं रिक्शे में आया था? ड्यूटी में इतना इन्वॉल्व हो जाता हूँ कि पता ही नहीं चलता कि मैं जीप में आया था कि रिक्शा में आया था।
लेकिन बाहर से ऑटो मिल जाएगा ना? बाहर मिल जाएगा। नहीं मिला तो थोड़ा वॉक कर लेंगे, थोड़ा हेल्थ फिट रहेगा ना। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ, साड़ी के लिए फिर से एक बार थैंक यू। थैंक यू फॉर साड़ी। बाय 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 बाय। अच्छी साड़ियों की शॉपिंग हो गई। थैंक यू। ए ए ऑटो ए रुक ए बाबू जी। ला तुम सब लोग की शॉपिंग तो यही हो गई है। अब हम लोगों को शॉपिंग करने के लिए बाहर मॉल में जाने की जरूरत ही नहीं है। सोसाइटी कंपाउंड में सूटकेस का क्या किस्सा हुआ? बहू से पूछना, वही बताएगी। ये लीजिए गर्मा गर्म कढ़ी। अरे दया ये सूटकेस का किस्सा क्या हुआ सोसाइटी कंपाउंड में? वो टप्पू के पापा हुआ यूं कि हम सब लेडीज ने आज घर का सारा कामकाज निपटा कर दोपहर को शॉपिंग में जाने का प्रोग्राम बनाया और हम सब लेडीज शॉपिंग जाने के लिए तैयार होकर नीचे सोसाइटी में मिले भी। और तभी अब्दुल भाई आए, उन्होंने बताया कि कब से सोसाइटी कंपाउंड में एक सूटकेस अकेली अकेली पड़ी है और पता करने पर पता चला कि उसका कोई मालिक ही नहीं है। अरे बाप रे। फिर क्या हुआ कि हम लोग दया, तुम लेडीज लोगों ने तो गजब की हिम्मत दिखाई। वाओ मम्मी यू आर ग्रेट। अरे असली हिम्मत तो हमें बापूजी ने दी थी, बाकी हम लोग तो डर के मारे आप लोगों को फानी करने वाले थे। लेकिन बापूजी ने हमें रोका, उन्होंने कहा कि आप लेडीज लोगों को ही हिम्मत करके इसमें से रास्ता निकालना होगा। बराबर है, वाह बापूजी वाह, लेडीज लोगों की हिम्मत बढ़ा के आपने बहुत अच्छा काम किया। जीतिया आजकल की महिलाएं हर मुसीबत में रास्ता निकाल सकती है, बस उन्हें मौका देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और टिप्पू के पापा इसका फायदा ये हुआ कि हम लेडीज लोगों की शॉपिंग सोसाइटी कंपाउंड में ही हो गई। और घर बैठे एक से बढ़कर एक साड़ियां मिल गई। ओहो फिर तो सब लेडीज लोग खुशम खुश हो गई होगी। हाँ तो बहुत खुश हो गई। वाह वाह चल इसी बात पे एक वाटी कढ़ी और पिला चल। बहुत बढ़िया बनी है खिचड़ी पे। गोकुल धाम की महिलाओं की शॉपिंग की इच्छा घर बैठे पूरी हो गई। भाई अंत भला तो सब भला, कमाल है ऊपर वाले का। हम लोग जिंदगी में कितनी प्लानिंग क्यों ना कर ले, लेकिन ऊपर वाला जो है ना हमसे 10 कदम आगे की प्लानिंग रखता है। शुरू में हम परेशान जरूर होते हैं, लेकिन बाद में वो हमें सरप्राइज कर देता है, खुशी देता है, क्योंकि ऊपर वाला हमें कभी निराश और उदास नहीं देखना चाहता, हमें खुश देखना चाहता है। इसलिए जिंदगी में जो हम सोचते हैं वो तो कभी होता नहीं, और जो होता है वो हमने कभी सोचा नहीं होता। और गोकुल धाम भी वही जगह है, यहाँ जो होता है वो किसी ने नहीं सोचा होता। अब कल क्या होगा ये मैंने अभी तक नहीं सोचा है, लेकिन इतना जरूर सोचा है कि आपको हंसने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। देखते रहिए, हंसते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ओम मित्राय नमो, मृवय नमो, सूर्याय नमो, भानवे नमो, खगाय नमो, भूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमो, मरीचय नमो, आदित्याय नमो, सवित्रे नमो, अर्काय नमो, भास्कराय नमः, आदिदेव नमस्तुभ्यं, प्रसिद्ध मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमोस्तु ते। बहुत दिन हो गए बबीता जी कसरत करते हुए नजर नहीं आए, उनको बताना पड़ेगा, उनको कसरत करते हुए देख के मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे। स्वास्थ्य बिगड़ गया मेरा। तक भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़ा है। हाँ, यार मेरा भगवान तो साइंस है, लेकिन ये भगवान ने पूरी दुनिया को बनाया, इसलिए इस भगवान से बड़ा साइंटिस्ट और कौन हो सकता है। चलो जल्दी तैयार हो जाओ, हम इंद्राणी के घर पे जाना है। इंद्राणी के घर पे क्यों? अरे भूल गए, आज इंद्राणी के घर पे गृह प्रवेश की पूजा है, हमें वहाँ पे जाना है। बबीता मेरा ऑफिस में जाना बहुत जरूरी है,
क्या है, आजकल में किसी का प्रमोशन हो सकता है, हो सकता है उसमें मेरा नाम भी हो। That's fantastic, congratulations. नहीं बबीता, मेरे को अभी congratulation मत करो, अभी मेरा नाम declare नहीं हुआ है। जब तक मेरा नाम declare नहीं हो जाता, तब तक no congratulation. क्या बबीता, पिछले 3 साल से मेरा नाम nominate हो रहा है, लेकिन last moment पर किसी और का promotion हो जाता है। पर ऐसा क्यों? क्या बबीता, boss के साथ में हमेशा मेरा किट-किट हो जाता है। अभी कुछ ही दिन पहले उसने सबके सामने मेरे को डांटा, तो मैंने भी मुंह तोड़ जवाब दे दिया, इसलिए शायद वो मेरे को प्रमोशन नहीं देंगे। That's not fair. तुम हमेशा दिल से काम करते हो और तुमने कितने सारे सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स भी किए, तो ये प्रमोशन तुम ही डिजर्व करते हो। मैं भी भगवान को यही बोल रहा था। तथास्तु। अगर थोड़ी देर के लिए सही, हमें जरा इंद्राणी के घर पे जाना पड़ेगा, नहीं तो उसको बहुत बुरा लगेगा। बबीता, मैं एक काम करता हूँ, आज पूरे दिन का छुट्टी ले लेता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अरे दया, चाय ला। लाई लाई, ये लीजिए गर्मा गर्म मसाले वाली चाय। ओहो, आज तो कुछ चाय ज्यादा ही गर्म लग रही है। फोन आया। अच्छा तो जा दरवाजा खोल। अरे फोन आया। अब पता है भाई, फोन है मेरी जेब में ही, फोन है तो मुझे तो सुनाई देगा ना। तू भी दया। ये नट्टू काका। हाँ नट्टू काका, मुझे सब याद है, इनकम टैक्स रिटर्न पेपर साइन करना है, वहाँ से अपने सीए मनोज भाई को दर जाना है, और फिर वहाँ से बैंक जाना है, और वो सब कंपटक है, मुझे दुकान आना है, ठीक है? थैंक यू। हाँ हाँ हाँ। टिप्पू के पापा, मुझे भी आपको एक बात बतानी है। हाँ तो बताओ, शर्मा क्यों रहे? क्या बात बतानी है, क्या क्या बतानी है बात? अरे अरे धीरे धीरे मार भाई, वरना इस तरफ से बात बाहर निकल जाएगी। पापा एक मिनट, मुझे जरा सोचने दीजिए, क्या बात बतानी है, क्या बताना है, क्या बताना है, मुझे क्या बताना है आपको? अरे दया, मुझे कैसे पता होगा तुझे मुझे क्या बताना है? ओ, नहीं, मैं आपको पूछ नहीं रही हूँ, मैं याद कर रही हूँ कि मुझे आपको क्या बताना है, कुछ तो बताना है। दरअसल याद नहीं आ रहा कि मुझे आपको क्या बताना है। कोई बात नहीं, याद आ जाए तो फोन कर देना, मैं निकल रहा हूँ। चलो जय जिनेंद्रा। जय जिनेंद्रा। याद आ गया। ए, शांति आहिस्ता भाई। फोन टप्पू के पापा, फोन। फोन? नहीं, आपके लिए मुझे किसी का फोन आया था। हाँ हाँ, किसका? वही तो, याद नहीं आ रहा है किसका फोन था। दया मुझे बहुत लेट हो रहा है, मैं निकल रहा हूँ। एक काम कर रहे, याद आते फोन कर देना ना। चलो, सबसे बात करनी पड़ेगी वरना सोसाइटी का लाइट और पानी दोनों कट जाए। गुड मॉर्निंग बड़े मास्टर। अरे हाथी भाई। अरे कायका गुड मॉर्निंग। अरे क्या हुआ बड़े मास्टर, बहुत टेंशन में लग रहे हो, तबीयत तो ठीक है ना? अरे मेरी नाड़ी नहीं हाथी भाई, सोसाइटी की नाड़ी चेक कीजिए आप। सोसाइटी की नाड़ी मतलब? मतलब ये देखिए, देखिए देखिए हाथी भाई देखिए, आपकी भाषा में बोलो ना तो अपने सोसाइटी के फाइनेंशियल कंडीशन का ब्लड प्रेशर लो हो रहा है। अरे बड़े मास्टर, अपनी सोसाइटी की हालत तो बहुत पतली है भाई, तुरंत ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा। अभी आप सही बोले। अरे पोपटलाल, क्या हुआ? जरा एक मिनट यहाँ आना प्लीज। टेंशन वाली बात है। फिर क्या हुआ भिड़े? हाथी भाई सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है पोपटलाल। क्यों, क्या हुआ? तुम ये सोसाइटी का हिसाब देखो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। भिड़े ने हिसाब किताब में कोई गड़बड़ कर दी क्या पोपटलाल? अरे भाई मैंने कोई गड़बड़ नहीं की पोपटलाल, तुम फाइल देखो ना। हाँ उसमें क्या है? अरे बाप रे, हमारी सोसाइटी 20,000 रुपया माइनस में चल रही है। हाँ पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारी सोसाइटी डेफिसिट में है। तो भाई भिड़े ये सारे पैसे गए कहाँ? गए का मतलब? पोपटलाल तुम फाइल ठीक से देखो, यहाँ पे रिसीव्स और यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स लिखे हुए हैं, सारा खर्चा पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है मैंने। नहीं नहीं वो तो सब दिख ही रहा है, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि अचानक कैसे सोसाइटी का फंड कम हो गया और खर्चा बढ़ गया। पोपटलाल अचानक नहीं हुआ है, ठीक से देखो समझ में आ जाएगा। पिछले 1 साल में लाइट और पानी का बिल 20% बढ़ा हुआ है, और उसके सामने हमने पिछले 4 साल में मेंटेनेंस 1% भी नहीं बढ़ा है, तो बैलेंस शीट में फर्क तो आएगा ही ना। पोपटलाल भिड़े मास्टर की बात बिल्कुल सही है, और भिड़े मास्टर इस लॉस को पूरा करने के लिए हम लोगों को मेंटेनेंस बढ़ाना पड़ेगा भाई। हाँ इसलिए मैंने सारा हिसाब कर लिया है, पर फ्लैट 200 रुपए बढ़ाना होगा। तो ठीक है बढ़ा दो 200 रुपए। अरे
क्या बढ़ा था 200 रुपए? भीड़े हाथी भाई, आप ऐसे खड़े खड़े सोसाइटी का मेंटेनेंस नहीं बढ़ा सकते। उसके लिए सोसाइटी की स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग बुलानी पड़ेगी। 7 दिन पहले सारे मेंबर्स को नोटिस भेजनी पड़ेगी। सोसाइटी की मीटिंग में मेंटेनेंस बढ़ाने का प्रस्ताव रखा जाएगा, बहस करनी पड़ेगी, और फिर मीटिंग में यह प्रस्ताव रखा जाएगा कि सोसाइटी का मेंटेनेंस बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए। इस बात पर बहस होगी और बहस के बाद यह तय होगा कि मेंटेनेंस बढ़े या नहीं बढ़े। भाई पोपटलाल, सुबह सुबह क्या प्रॉब्लम है भाई? जरा शांति रखो जीवन में। कैसे शांति रखो जेठालाल? भीड़ को देखो, बिना सोचे समझे सोसाइटी का मेंटेनेंस 200 रुपया बढ़ा रहा। 200 रुपया? लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं 200 रुपए का बढ़ावा नहीं होने दूंगा, दुनिया हिला दूंगा। जेठालाल, मैंने कोई बिना सोचे समझे 200 रुपया नहीं बढ़ाया भाई। तुम व्यापारी आदमी हो, ये फाइल देखो, समझ जाओगे। हाँ देखो भाई, देखो तुम देखो। मुझे कोई हिसाब किताब नहीं देखना है भिड़े। थैंक यू जेठालाल। देखा भिड़े, जेठालाल भी 200 रुपया बढ़ाने के खिलाफ है। ओ एक मिनट भाई, मैं हिसाब किताब इसलिए नहीं देखना चाहता क्योंकि मुझे भिड़े के हिसाब किताब पे पूरा भरोसा है। अरे एक थैंक यू भिड़े, जितना मर्जी उतना मेंटेनेंस बढ़ा, हम तुम्हारे साथ है। हाँ भिड़े मास्टर, थैंक यू। एक मिनट, आप लोग भिड़े से इतना डर क्यों रहे हो? ए भाई, भिड़े से कोई डर नहीं रहा है, और तू भी अपना यह वाहियात विरोध करना बंद कर भाई। महंगाई कितनी बढ़ गई है, उसकी वजह से सोसाइटी का खर्चा बढ़ गया, तो भिड़े के अपनी जेब से पैसे निकलेगा नहीं तर गए। और पिछले 3 साल से मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग सोसाइटी के मेंटेनेंस में 50-50 रुपए बढ़ाते, लेकिन हर बार पोपटलाल की विरोध की वजह से हम लोग नहीं बढ़ा पाए। सही बात है बड़े मास्टर की, पोपटलाल अगर तुम उस समय मान गए होते तो 50 रुपए में काम हो जाता। तो अब तुम्हारी वजह से सबको एक साथ 200 रुपए भरने पड़ रहे हैं। कुछ भी हो जाए भिड़े, मैं ये अन्याय नहीं होने दूंगा। 200 रुपए का 200 गुना विरोध करूंगा। अरे अरे भाई, तुम कोऑपरेटिव सोसाइटी के सेक्रेटरी हो, कोऑपरेटिव का मतलब नहीं मालूम? ये पोपट पे इतना चिल्ला क्यों रहे? बविदा उसका रोज का है, हमको लेट होगा, चलो। एक दूसरे की तकलीफ को समझना। बबीता जी, अरे भाई तुम लखपति होंगे, मैं लखपति नहीं हूँ। अरे काय का लखपति, हम लोग सिर्फ पति है भाई। गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग जेठालाल। बबीता चलो। गुड मॉर्निंग जेठा जी। वैसे सुबह सुबह दोनों तैयार होके कहाँ चले? जेठालाल मैं रास्ते में जाते जाते तुमको फोन पर बता दूंगा, ओके? अभी मेरे को थोड़ा लेट हो रहा है, चलो चलो बबीता। ओके बबीता जी, बहुत बढ़िया लग रहे हैं आप। थैंक यू सो मच बबीता, चलें। हाँ हाँ हाँ। अय्यर भाई आप भी। हाँ हाँ थैंक यू। एक मिनट अय्यर भाई, अय्यर भाई भिड़े का कुछ समझाओ। क्या समझाओ, किस बारे में? अय्यर भाई भिड़े महीने के 200 रुपया मेंटेनेंस बढ़ाने को बोल रहा है। हाँ तो मेरे को मालूम है, पोपटलाल इनकम एंड एक्सपेंडिचर का चार्ट मैंने ही आत्माराम के साथ बैठकर बनाया। क्या है, पिछले 1 साल से हमारा सोसाइटी लॉस में चल रहा है, इसलिए मेंटेनेंस तो बढ़ाना ही पड़ेगा। ओके चले अभी। हाँ। अरे क्या, चलो भाई एक मिनट रुको। आप लोग बिना सोसाइटी की मीटिंग बुलाए ऐसे आपस में मेंटेनेंस का मुद्दा तय नहीं कर सकते? पोपटलाल मैं विनती करता हूँ भाई, इस बार कोई विरोध मत करना। अरे भिड़े मास्टर, पोपटलाल को विरोध करने दो, हमारे पास बहुमत है। होने दो बहुमत, मैं आपके बहुमत के सामने झुकने वाला नहीं हूँ। जरूरत पड़ने पर इस अन्याय के खिलाफ मैं अनशन पर बैठूंगा। पोपट भाई, आप प्लीज ऐसा मत करना, भूखे रहना आपके शरीर के लिए ठीक नहीं है। सही बात है। अरे दया ये सोसाइटी के मैटर में तू मगजमारी मत कर भाई, तू रहने दे। बोलने दो जेठालाल, दया भाभी को बोलने दो, मुझे इस तरह सपोर्ट करने वाले को तुम रोक नहीं सकते। थैंक यू दया भाभी। और भिड़े, तुम आज के आज सोसाइटी की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल बॉडी मीटिंग बुलाओ, और मीटिंग में तय होने दो कि सोसाइटी का मेंटेनेंस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। पोपटलाल तुम बेवजह जिद कर रहे हो। अय्यर भाई, मैं अपने कमिटी मेंबर होने के अधिकार का उपयोग कर रहा हूँ, और उससे मुझे कोई नहीं रोक सकता। अरे ये तो धीरे धीरे बात बढ़ रही है। तो मेंबर हो तो क्या है, हमें यह तुम्हारे मन में जब भी आएगा तब मीटिंग बुलाने का जिद करोगे? हम लोगों को कुछ काम धंधा नहीं है क्या?
कि हमेशा मीटिंग में बुलाते रहने का। सही बात है। है तो क्या? क्या पोपटलाल, हर छोटी छोटी बात पे तुम विरोध करते हो? तुम्हारा नाम पोपटलाल नहीं, विरोधी लाल होना चाहिए। मेरा जो नाम रखना है रखो, लेकिन पहले मीटिंग बुलाओ और जो कुछ तय होगा वो मीटिंग में ही तय होगा। जीती है पोपटलाल, हर बार मीटिंग में तुम छोटी छोटी बातों पर बहुत झगड़ा करते हो, सबका टाइम वेस्ट करते हो। Now enough is enough. Yes. अय्यर, प्लीज शांत हो जाओ, प्लीज रिलैक्स। हाँ बबीता जी, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ यार भाई, शांत हो जाओ भाई। अरे क्या शांत हो जाऊं बबीता, मैं साइंटिस्ट हूँ साइंटिस्ट, मेरा तो कोई इज्जत ही नहीं है। और उधर ऑफिस में मेरा कितना इज्जत है, वहाँ पे सब लोग मेरे को ऐसा सैल्यूट मारते हैं। और उधर सोसाइटी में ये पोपटलाल 200 रुपए के लिए मैं तो झगड़ा करता है। मैं तंग आ गया इस लड़ाई झगड़े से, आता आराम अभी के अभी मैं ट्रेजरर की पोस्ट से रिजाइन करता हूँ। Now I'm out of the committee. अय्यर भाई, please आप शांत हो जाइए, please. नहीं नहीं देवा भी, अय्यर सही बोल रहा है। और अय्यर तुम क्या, मैं भी रेजिग्नेशन देता हूँ। पोपटलाल ये पकड़ो फाइल, आज से तुम्ही सोसाइटी के सेक्रेटरी, तुम्ही ट्रेजरर, संभालो सोसाइटी में। अरे 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 भाई सुनो सुनो, संभल के भाई। अरे तुझे क्या हो रहा है? नहीं वो घूम रहे थे तो मुझे लगा मुझे लग जाएगा। अरे वो भीड़ है, हेलीकॉप्टर का पंखा थोड़ी है जो तुझे लग जाएगा। सॉरी। अरे भीड़े मास्टर शांत हो जाओ, अय्यर भाई आप भी शांत हो जाइए, ऐसे गुस्से में रिजाइन करना ठीक नहीं है भाई। अरे पोपटलाल तो बुड़बक है, आप दोनों बुड़बक हो। अरे तो उसे ये दोनों बेचारे सुबह सुबह तैयार होकर किसी शुभ काम के लिए जा रहे थे, तुम्हारी वजह से अटक गए। बबीता जी बेचारे कितने परेशान हो गए। बबीता जी आप टेंशन मत लीजिए, सॉरी बोल रहे पोपटलाल। पोपटलाल सॉरी बोलो बबीता जी को। हाँ। लेकिन बबीता जी को तो मैंने कुछ बोला ही नहीं है। अरे मतलब अय्यर भाई और भीड़े को सॉरी बोलो, है ना हाथी भाई? सही बात है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, भिड़े अय्यर भाई हाथी भाई आप सबको सॉरी। देखिए मैं किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं कर रहा था, मेरी आवाज ही ऐसी है, बोलते बोलते कभी ऊपर चली जाती है पता ही नहीं चलता, और लोगों को लगता है कि मैं झगड़ा कर रहा हूँ। भाई भिड़े ये लो फाइल, तुम ही सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी बने रहो, और अय्यर भाई आप ट्रेजरर बने रहो। वैसे आप लोगों ने ये जो इस्तीफे की धमकी देकर मुझे इमोशनली ब्लैकमेल किया है, मुझे अच्छा नहीं लगा है। मैं फिर आप सबसे विनती करता हूँ कि 200 रुपए वाले मुद्दे पर एक बार और विचार विमर्श कीजिएगा। 50 रुपए तक ठीक है। गाढ़वा पुड़े वासली गीता। आज मैम ये पापड़ डाल के समझाना बेकार है। बबीता वी आर गेटिंग लेट, चलो जल्दी जल्दी चलो। ओके बबीता जी, बहुत बढ़िया लग रहे हैं। चलो मैं भी दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। कितने क्या ये देखो, अरे ये किसने किया, ये मेरा पूरा कोट गंदा कर दिया, मेरा पूरा कोट क्या किया ये? अरे अरे टप्पू क्या किया तुम लोगों ने? सॉरी सॉरी बाबा सॉरी सॉरी अय्यर अंकल, वो बॉल पेड़ को लगकर आपको लगा। सॉरी मैंने तो की कुछ तरफ मारी थी, सॉरी। सॉरी सॉरी सॉरी। अय्यर भाई आपको लगा तो नहीं ना? नहीं लेकिन मेरे कार्ड को लगा ये दब्बा। अय्यर भाई आप एक काम कीजिए, ये कार्ड मुझे दे दीजिए, मैं इसे फटाफट धोकर इस्त्री करके आपको दे देती हूँ, लाइए जल्दी। अरे भाई ये कोट का जो कपड़ा है ना, वो कंतन की गुणी जितना झाड़ा होता है, मोटा एकदम, तो उसको तू धोएगी ना तो 2 दिन लगेंगे सूखने के लिए। तो अभी ये सब मेरे दादी क्यों होता है, एक तो अपने को जाने के जल्दी ऊपर से ये कोट खराब हो गया। इट्स ओके, इट्स जस्ट चिल, इन लोगों ने जानबूझ के तो नहीं किया है ना, इट हैपेंस। सॉरी 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 सॉरी, इट्स ओके, चलो कम ऑन बच्चों आप लोग जाके खेलो। थैंक यू थैंक यू सॉरी। ओके कितने अच्छे हैं बबीता जी। तो है सॉरी अंकल, बोल हां लेके लेके जल्दी बबीता, मैं 2 मिनट में चेंज करके आता हूं। हां प्लीज। ओहो ना अच्छा सूट अय्यर भाई का बिगड़ गया।
वैसे बबीता जी, इतने अच्छे कपड़े पहन के सुबह सुबह आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हाँ, वो एक्चुअली मेरे कजिन ने एक नया घर लिया है गोरेगांव वेस्ट में। अरे मुबारक हो। तो आज उसकी गृह प्रवेश की पूजा है, सो बस हम लोग वहीं पे जा रहे थे। अच्छा, इसीलिए आपने ये सलवार कमीज पहना है? वाह वाह वाह, ये सलवार कमीज में भी बबीता जी कितने अच्छे लग रहे नहीं? हाँ, बबीता जी है ही ऐसे, कोई भी ड्रेस पहने अच्छे ही लगते हैं। अरे क्या आप लोग भी ना? नहीं नहीं बबीता जी, जो सच है, वो तो आपको मानना ही पड़ेगा। हाँ। बबीता जी, बबीता फाइनली अब हम लोग चलें। तो मैं तो कब से रेडी हूँ। तो फिर चलो। एक मिनट, मतलब आइए, मैं आपको छोड़ता हुआ फिर दुकान चला जाऊंगा। हाँ, अच्छा। जेठा लाल, उसका कोई जरूरत नहीं है, मेरा फ्रेंड गाड़ी लेकर आया है, वो हमारा वेट कर रहा है। ठीक, ओके, चलो बबीता। ओके बाय, सी यू। ओके बबीता, ओके यार, बाय बाय बाय। चलो कहाँ? अरे मैं दुकान जा रहा हूँ, चलो। जय जिनेन्द्र ऐसा बोल रहा हूँ। सॉरी सॉरी, जय जिनेन्द्र। तैयारी है कहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरा फ्रेंड अभी तक गाड़ी लेकर आया क्यों नहीं? हाँ वही तो, आज धूप कितनी है। मेरे ऑफिस से फोन है। हेलो मिस्टर कृष्णन अय्यर, आई नो तुमने आज छुट्टी ली है, लेकिन अभी के अभी लैब आ जाओ, मुझे तुम्हारा काम है। ओके सर, आई विल बी देयर। क्या हुआ? सॉरी बबीता, बॉस ने बहुत अर्जेंट बुलाया है, मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा। क्या? हाँ अय्यर, सॉरी बबीता। बबीता यू नो, मेरा ये प्रमोशन का सब चल रहा है, इसमें बॉस के साथ आर्गुमेंट नहीं कर सकते हैं। एक काम करो, तुम इंद्राणी के घर पर अकेले ही चले जाओ। नहीं अय्यर, जाएंगे तो साथ ही जाएंगे, मैं इंद्राणी को फोन करके मना कर देती हूँ। वन सेकंड, सॉरी बबीता। अय्यर को टेंशन है कि उसका प्रमोशन होगा कि नहीं, और टेंशन बिल्कुल जायज है, क्योंकि प्रमोशन चीज ही ऐसी है, अगर इंसान के जीवन में प्रमोशन नहीं है, तरक्की नहीं है, तो यकीन मानिए वो जीवन ही नहीं है। लेकिन प्रमोशन का अर्थ यही नहीं है कि आप नौकरी में तरक्की करें। भाई आपकी बीवी आपके लिए बहुत अच्छा खाना बनाए तो आपके लिए प्रमोशन है, बच्चे पास हो गए अगली क्लास में जाते रहे तो ये उनके लिए तो प्रमोशन है ही, आपके लिए भी प्रमोशन है। अगर बिजनेस में फायदा हो जाए तो वो तरक्की है। जीवन तरक्की का दूसरा ही रूप है, इसलिए तरक्की न हो तो आदमी परेशान होता ही है। लेकिन अय्यर बहुत ज्यादा परेशान इसलिए है कि बॉस से झगड़े के कारण उनका प्रमोशन खतरे में है। कहीं अय्यर मायूस तो नहीं हो जाएंगे? उनकी परेशानी बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन आप परेशान क्यों होते हैं? अय्यर की परेशानियां बढ़ेंगी तो आपके घरों में हंसी बढ़ेगी। भाई आपकी घरों में हंसी का प्रमोशन होता रहेगा, देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.